Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड, मेरा नाम है आसफा जी। मैं आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस के हवाले से। जी हाँ व्यूअर्स, हमें कुछ सोर्सेज के मुताबिक सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस के हवाले से कुछ स्पेक्स और फीचर्स जो है वो उसके रिवील किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि रिसेंट डेज में हमने आपके साथ सैमसंग की तरफ से फोल्डेबल डिवाइस का जिक्र किया था कि सैमसंग फोल्डेबल डिवाइस पर वर्किंग कर रहा है और बहुत जल्द जो है वो 2019 में इसको लॉन्च भी कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट कंपनीज में कॉम्पिटिशन रहता है, तो हमें ओप्पो की तरफ से, हवावे की तरफ से और भी डिफरेंट कंपनीज की तरफ से ये मालूम हुआ है कि फोल्डेबल डिवाइसेस पर जो है वो उनकी भी वर्किंग जो है वो जारी है। तो यस, बात करेंगे सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस के हवाले से जो कि 2019 में लॉन्च होने जा रही है, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस या फिर इसके कुछ जो है आप कह लें स्पेक्ट्स के हवाले से हमें जो है वो कुछ रिवील किया गया है। तो व्यूअर्स, एक दी बेल न्यूज़ आउटलेट है, ये जो है वो साउथ कोरिया में सैमसंग की एक आउटलेट है जिसके ज़रिए हमें ये मालूम किया गया है कि कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस इस तरह से होंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रिसेंट डेज में सैमसंग की डिवेलपर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें इसके जो है वो स्पेसिफिकेशंस के हवाले से और इस स्मार्टफोन के हवाले से जो है वो कुछ बातें जो है वो डिस्क्लोज़ की गई हैं। तो फिर आज हम इसके जो है वो फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो वो मेन फीचर्स जो कि एक फोल्डेबल डिवाइस के काउंट किए जाते हैं वो है उसका डिस्प्ले साइज़, उसकी एस्पेक्ट रेशो, उसकी पिक्सल जो है वो डेंसिटी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें उसकी पिक्सल डेंसिटी के बारे में तो वो है 420 तक जो है वो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी रेजोल्यूशन के हवाले से तो वो 840x1960 होगी जब वो डिवाइस जो है वो फोल्डेड होगी, यानी कि वो फोल्डेड फॉर्म में आप देखेंगे, और जब वो डिवाइस अनफोल्डेड होगी तो आपको वो डिवाइस 1536x2152 जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम इसको इंचेस में देखें तो इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 4.58 इंचेस है, और अगर हम इसकी एस्पेक्ट रेशो को देखें तो वो 21:9 है। और अगर ये स्मार्टफोन जो है वो अनफोल्डेड जो है वो इंचेस में देखा जाए तो ये स्मार्टफोन 7.3 इंचेस का जो है वो स्मार्टफोन होगा, और अगर हम इसकी एस्पेक्ट रेशियो देखें तो वो 4.2.3 जो है वो जब वो ये स्मार्टफोन अनफोल्डेड होगा तो आपको देखने को मिलेगी। अभी उस कहा ये जा रहा है कि ये स्मार्टफोन का लुक बिल्कुल इस तरह से है कि ये एक बुक फॉर्म में, जैसे एक बुक बंद होती है और ओपन होती है, बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड और अनफोल्ड होगा, और इस तरह से इसका जो है वो डिज़ाइन दिया गया है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसकी जो स्क्रीन है वो OLED पैनल से जो है वो बनाई गई है। लेकिन व्यूअर्स, हमारे पास इसके मज़ीद तो स्पेसिफिकेशंस नहीं रिवील किए गए, ना ही इसकी डेवलपर कॉन्फ्रेंस में, ना ही हमें किसी और सोर्स से ये मालूम हो सका है कि इसका कैमरा या इसके मज़ीद फीचर्स क्या क्या होंगे या इसमें नई कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अभी तक बस जो हमें यही फीचर्स जो है वो रिवील किए गए हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ क्रिटिसिज्म भी इस डिवाइस के हवाले से जो है वो हमें सुनने में आ रहा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि ये डिवाइस जो है वो कुछ लोगों को एक पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि डिवाइस बहुत ज़्यादा थिक है, इसके बेजल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बिल्कुल एक स्मॉल टैबलेट जैसी शेप है। लेकिन स्टिल वो लोग जो कि जो है वो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, या मूवीज़ देखना चाहते हैं, या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। लेकिन स्टिल ये क्रिटिसिज्म है कि एक स्मार्टफोन को इतना जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, या कुछ लोग नहीं पसंद करते, बल्कि पर्सनली मैं भी इस बड़े स्मार्टफोन को नहीं पसंद करूँगी कि इतना बड़ा स्मार्टफोन ही अगर आपने लेना है तो आप लैपटॉप ले लो या कोई टैबलेट ले लो। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन में एक लैपटॉप जैसी या टैबलेट जैसी सारी चीज़ें जो है वो उनको चाहिए, तो ये उन तमाम लोगों को आई गेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर हमें जो भी मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई या डिस्क्लोज़ की गई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस के हवाले से। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी कुछ इस स्मार्टफोन के बारे में मालूम हुआ होगा। तो सी यू सून विद न्यू टॉपिक विद न्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।